हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज पोस्ट ऑफिस की आ चुकी है लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज। कैसे आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा, क्या क्या रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है बिकॉज वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक जॉब अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि इसके बाद जो चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी देखिए, इस अपडेट के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल साइट को अगर आप गूगल पे टाइप कर लेंगे आपको पहले ही नंबर पे साइट मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे वैकेंसीज को देख के अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। खासतौर पर अगर आपके कम परसेंटेज है तो आपको डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर सारा समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात तो यहां पे ये है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे चल के डिस्कस करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है पोस्ट वाइज, उसके अलावा आपके यहां पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग कैसे होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधी भर्ती आई हुई है। कैसे आवेदन करना है उसके लिए चलते हैं अपनी ऑफिशियल साइट पर। सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिलीज हुआ है इंडिया पोस्ट की तरफ से, जहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना शुरू हो चुका है। सैलरी की बात करिए 18,000 से 81,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। 10th pass 12th pass ग्रेजुएट कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन रिपीट करूंगी, इन वैकेंसीज में आपके देखिए डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाली है, किसी भी तरीके का कोई एग्जाम आपका यहां पे नहीं होने वाला, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अप्लाई आपको इसके लिए जरूर से करना है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसीज है जो ये रिलीज हुई है। 10th pass 12th pass ग्रेजुएट कैंडिडेट यहां पर इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना आज से स्टार्ट हो चुका है, आज से आपको अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहां पर अगर वैकेंसीज के बारे में बात करें कौन कौन सी वैकेंसीज है जो यहां पर रिलीज हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो यहां पे देखिए मेल गार्ड की वैकेंसीज है जहाँ पे आप सैलरी देख पा रहे हैं लेवल 4 के अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे सैलरी है। मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे 25,500 से 81,100 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, तो आप में से हर कोई कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। पोस्टमैन के लिए आपकी 21,700 से 69,100 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, तो यहाँ पे आप में से हर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है और हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बात करें तो इसके लिए आपकी 18,000 से 56,900 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, इसके लिए भी आप में से हर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी पोस्ट वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे आप पोस्ट देख पा रहे हैं मेल गार्ड की है, जिसमें 12th pass ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई देखिए कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें पोस्टमैन के लिए, तो इसके लिए 12th pass कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो पहली और सेकेंड पोस्ट है, जो मतलब मेल गार्ड और पोस्टमैन की है, ये दोनों ऐसी वैकेंसीज है चाहे आप 12th pass हो चाहे आप ग्रेजुएट हो, हर कोई आप में से एलिजिबल है और अप्लाई यहां पे कर सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड पोजीशन की बात करें वो आपकी है, देखिए यहां पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसमें 10th pass कैंडिडेट एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करें एज लिमिट, वो आपकी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है, जिसमें देखिए 3 साल का आपको ओबीसी को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की बात करें उनको 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी के लिए 15 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो रिलैक्सेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली बहुत सारा आपको दिया जा रहा है, और इसके लिए देखिए आज से अप्लाई शुरू है, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया ऑल इंडिया।
से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको अपनी वेबसाइट का लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में दिया है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे क्लिक कीजिए इन्फॉर्मेशन लेकर, अभी जाके आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अप्लाई जरूर करना है। इसी के साथ बताना चाहती हूँ, और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई है। कल रात को मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है जिसमें FCA की वैकेंसीज है, कलेक्टर ऑफिस की वैकेंसीज है, वो दोनों वीडियोस तो आपको चैनल पे सेकंड एंड थर्ड नंबर पे मिल जाएगी, जाकर आप चेक जरूर करना। पोस्ट ऑफिस इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई शुरू हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।